अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे ला लीगा पे। ला लीगा जो कि स्पेनिश लीग है, देखा जाए जो ला लीगा के कल मैचेस खेले गए हैं। पहला मैच जो कि रियल मैड्रिड और कैडिस के दरमियान खेला गया था, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:15 पे खेला जाता है। रियल मैड्रिड जो कि बहुत ही अच्छा क्लब है स्पेन का, स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड ही है। तो बहुत ही अच्छा क्लब है, तगड़ा क्लब है। ये खेलते हैं चाहे चैंपियन लीग हो, चाहे ला लीगा हो, चाहे अल क्लासिको हो। तो बात की जाए रियल मैड्रिड पे, तो कैडिक्स और रियल मैड्रिड के दरमियान ये मैच खेला जाता है 7:15। मैच के एंड पे जो स्कोर लाइन होती है वो होती है 3-0। इट्स मीन के मैड्रिड टेक 3 गोल्स, कैडिक्स हैव 0 गोल्स। मैड्रिड जो के पहले भी लाई कर रही थी ला लीगा के टेबल पॉइंट में फर्स्ट पे, ये अपना मैच वो विन करके ये ला लीगा का टाइटल अपने नाम कर ही जाती है। ला लीगा का टाइटल ये जो मैड्रिड विन करेगी ये 36 होगा 36। इसमें बेलिंगम, रोड्रिगर और चाउमिनी का ये पहला ला लीगा टाइटल होगा जो वो विन करेंगे रियल मैड्रिड में खेलते हुए। इसी तरह अगर हम देखें बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना वो भी स्पेन का बहुत अच्छा क्लब है। रियल मैड्रिड के कंपटीटर बार्सिलोना ही है पूरे वर्ल्ड में। जब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच होता है तो ऐसे समझे कि ये कोई वार से कम नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लें आप या सेकंड वर्ल्ड वार ले लें, ये उनसे कम नहीं होता बिल्कुल भी। ये आप ऐसे समझें इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच है। तो बात करते हैं बार्सिलोना पे। बार्सिलोना का जो मैच खेला जाता है वो खेला जाता है ग्रोना के साथ। ग्रोना जो कि इस लाई कर रही है ला लीगा की टेबल पॉइंट पे दूसरे नंबर पे 74 के साथ। इसी तरह बार्सिलोना ये मैच खेला जाता है रात को 9:30 पे। मैच के एंड पे बार्सिलोना का स्कोर लाइन होता है 2 और ग्रोना का होता है 4। यहाँ पे बहुत ही सैड किया है बार्सिलोना ने अपने फैंस को, इसलिए हमने शर्ट उतार दी। अभी बार्सिलोना की शर्ट पहन के नहीं आया आपके सामने। ये बहुत ही दुख की बात है, इतना बड़ा क्लब लेवनडॉस्की एक गोल करते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनका हम पे बहुत एहसान है कि उन्होंने गोल किया है। मेरे ख्याल में बार्सिलोना को अब साइनिंग थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए। सुनने में आया कि फ्रेंकी डी योंग जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में या जाएंगे पीएसजी में। अगर फ्रेंकी डी योंग जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड या पीएसजी तो हम अपनी फैन फॉलोइंग वहां मूव कर देंगे, बार्सिलोना को छोड़ देंगे, अलविदा कह देंगे। जहाँ फ्रेंकी जाएंगे हम वहीं जाएंगे। अगर देखा जाए तो ला लीगा पॉइंट में जो बार्सिलोना का नंबर आता है वो थर्ड नंबर है। बार्सिलोना के पॉइंट्स हैं जो ला लीगा में वो हैं 73, ग्रोना से एक पॉइंट कम, उनके हैं 74 एंड 73। ये बहुत ही दुख की बात है। और देखा जाए तो तीसरा मैच खेला गया है वो एटलेटिको मैड्रिड खेला गया है मार्को के साथ। ब्लर्को जो कि बहुत ही अच्छा क्लब है, मोराको 0 और एटलेटिको मैड्रिड का एक गोल होता है। एटलेटिको मैड्रिड जो ला लीगा की टेबल पे लाई कर रही है वो 4th नंबर पे लाई कर रही है, इनके पॉइंट्स हैं 67। एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना इनका कोई हाल नहीं रहा स्पेनिश लीग में, ला लीगा में। इनको चाहिए कि कोई अच्छी सी साइनिंग करें। रियल मैड्रिड जो कि बेंजेमा रिटर्न कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि आप ना लें मबापे, एलन मबापे। बार्सिलोना को चाहिए कि वो एलन मबापे साइन करें या हालैंड को साइन करें।
मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।